अस्सलाम वालेकुम, मैं राहुल गिल और आप देख रहे हैं एच नाउ टीवी। आप देख रहे होंगे कि मैं साइकिल पे क्यों आया हूँ। तो आज मैं मौजूद हूँ जैक्सन मार्केट में और यहाँ पर एक बेहतरीन शॉप है, अल एहसान शॉप, जहाँ पे आपको सारी इंपोर्टेड साइकिल मिल जाएंगी, गियर वाली मिल जाएंगी, बच्चों की साइकिल मिल जाएंगी, बड़ों की साइकिल मिल जाएगी, बगैर गियर की साइकिल मिल जाएगी, डबल गियर की साइकिल मिल जाएगी, सिंगल गियर की साइकिल मिल जाएगी, लड़कियों के लिए साइकिल मिल जाएगी। तो तमाम साइकिलें जो इंपोर्टेड साइकिल्स हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी और बहुत ही कम प्राइस में, क्योंकि ये नई बाइक्स जो है, ये साइकिल्स जो हैं गियर वाली, बहुत महंगी आती हैं। यहाँ पर आपको 15,000, 10,000, 12,000 से लेकर 25,000, 30,000 तक की बेहतरीन साइकिल्स मिल जाएंगी, और वो भी साइकिल्स मिल जाएंगी जो माउंटेन बाइक्स होती हैं, जो आप माउंटेन्स पे या पथरीले इलाके में चलाते हैं, और वो भी मिल जाएंगी जो हाइब्रिड साइकिल्स होती हैं, जो नॉर्मल रोड के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी साइकिल अवेलेबल है और उनकी प्राइस क्या है। आने तो अब हम शॉप वाले से बात करते हैं और यहाँ पे जानते हैं कि कौन कौन सी साइकिलें मिल जाती हैं और कितनी प्राइस रेंज में मिल जाती हैं। अस्सलाम, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, आप सुनो? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा भाई जान, मुझे बताएं कि यहाँ पे कौन कौन सी साइकिलें मिल जाती हैं, कि क्या क्या होती हैं, ये साइकिलें बाहर की हैं, पाकिस्तानी हैं, क्या है? ये सारी बाहर की साइकिलें इम्पोर्टेड है, जापानी साइकिल है। यहाँ से छोटे भी है, बड़े भी है, डबल बच्चों की भी मिल जाती है, बच्चों की भी मिल जाती है, डबल गियर भी मिल जाएंगे आपको, सिंगल गियर भी मिल जाएंगे। ये कीमतें जो है ना स्टार्ट होती है प्राइस की 10,000 से लेकर 40, 35, 25, 20,000। सबसे महंगी कौन सी आपको? महंगी वाली जो है ना ये साइकिल है 25,000 रुपये का, ये वाला 30,000 रुपये का, ये नीचे वाला जो है ना ये 22,000 रुपये का। इसमें सुस्ता वाला भी है, सिंगल गियर जो आता है ना, सिर्फ पीछे जो गियर हो वो कम से कम 12,000-13,000 रुपये के मिलेंगे आपको। अच्छे अच्छे साइकिल जैसे ये कड़ी है ना सिंगल गियर वाले की, सफ़ेद वाला हो गया ना, ये हो गया, ये सारे सुस्ते वाले भी 12,000-13,000 रुपये की है। अच्छा, ये कुछ साइकिलों में मुझे जंप नज़र आ रहे हैं लगे हुए, सस्पेंशन नहीं होती है, जंपिंग होती है, क्या के बंदा चलाते हैं ना, जंपिंग मारते हैं बंदा, मज़ा आते हैं ना, कमर में झटका नहीं है, हाँ झटका नहीं आएंगे, जंप महसूस नहीं होगा बंदे को। तो इसमें डबल शॉक भी होते हैं, सिंगल शॉक भी होते हैं, फ्रंट शॉक, ये डबल जंपर वाला है, इसमें फ्रंट शॉक वाला होते हैं, वो भी मिलेंगे आपको। अच्छा, अब इन साइकिलों के कोई नाम होते हैं कि, क्योंकि किसी के टायर पतले हैं, किसी के मोटे हैं? हर साइकिल के अपना अपना नाम होते हैं, जैसे समझो ये शिवक्स है, ये प्रेसिशन है, ये मोमेंटम है, ये जॉइंट है, ट्रैक है, माइटा है, हर साइकिल का अपना अपना नाम होते हैं। बाकी टेयर होते हैं अपना, किसी का 700 नंबर, किसी का 28 नंबर, किसी का 26 नंबर, वो टेयर पे अपने नंबर लिखे हुए हर साइकिल पे। तो ये इनमें ट्यूब डलती है टायरों में? ट्यूब डलती है इसमें, बाद में आपको ट्यूब भी मिल जाएगा, बहुत सस्ता है, पाकिस्तानी ट्यूब, इंडोनेशिया वाला, श्रीलंका वाला, चाइना वाला ट्यूब मेरे ख्याल में से 150 रुपए का, और टेयर जो है वो 350-350 रुपए के मिल जाते हैं। अच्छा, आराम से मिल जाते हैं, आराम से मिलेगा। क्योंकि मैं इसलिए पूछा हूँ कि कभी किसी ने साइकिल चलानी हो पथरीली इलाके में तो वो कौन सी चलाएगा, तो किसी ने रोड पे चलानी है वो कौन सी चलाएगा? रोड पे ये पतले टेयर, जितना पतला वो रोड पे ही चलते हैं, जितना मोटा टेयर हो वो जो है ना आम खास रोडों पे चलते हैं, कड़ियों पे, पहाड़ों पे, जिधर भी चलाते हैं, जितना मोटा टेयर हो वो कड़ियों पे ही चलते हैं, उसको बोलते हैं माउंटेन बाइक। और जो आम खास रोड पे चलते हैं ना वो साफ रोड पे, उसको बोलते हैं हाइब्रिड। जैसे ये पतला टेयर है इसको हाइब्रिड बोलते हैं, पतले टायर वाली को हाइब्रिड बोलती हैं ये, अगर आप देख सकते हैं, और अगर मोटा होगा तो उसको माउंटेन बाइक बोलते हैं। वो आप जो है कच्चे इलाकों में, गांवों में, कहीं भी चला सकते हैं, यहाँ पर काफी सारी लगी हुई है, आपको हम दिखा सकते हैं। और ये अगर आप जो है ना ये भी फर्क नहीं पड़ता है, ये भी आम खास रोड पे आप लोग चला सकते हो, मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। लेकिन पंचर होने का खतरा होगा, पंचर हो गया साइकिल वाले के पास ले जाओ, 20 रुपए लेगा, 2 मिनट का काम है, निकालेंगे तो टू पंचर लगाएंगे, वापस बैठ जाएंगे, मसला थोड़ी है, पंचर लग जाएंगे, मसला नहीं है, नया 150 रुपए के मिल जाता है इसका। अच्छा, बच्चों का जो साइकिल है वो कितने का है? जैसे ये वाला है जो है ना ये 7,000-6,500 रुपए का है, स्मॉल साइज होते हैं, इसमें थोड़ा और बड़े होते हैं ना वो 10,000-9,000-11,000 रुपए के मिल जाते हैं, इसमें गियर वाला होते हैं। ये सादे मिनवल है, वो गियर वाले जो होते हैं वो 10,000-11,000 रुपए में होते हैं, 10 साल बच्चों वाली, 11 साल-12 साल वाला, वो जो है ना 11,000-12,000-10,000 तक मिल जाते हैं। अच्छी अच्छी साइकिलें, वो भी जापानी बाहर की इम्पोर्टेड साइकिल। अच्छा, ये जो साइकिल आती है इसकी जब कोई लेता है तो आप उसको क्या करते हो, वारंटी देते हो क्या देते हो? वारंटी हम लोग चेकिंग का वारंटी देते हैं 2 हफ्ते 1 हफ्ते तक, बाकी टायर की गारंटी देंगे 5-6 महीने। गियर खराब हो जाते हैं? गियर खराब नहीं होते, गियर अगर बंदा खड़े होने में इस्तेमाल नहीं करेगा ना, चलते चलते में चेंज करेंगे ना, कभी भी खराब नहीं होते। गियर तब खराब हो जाता है जब बच्चे खड़े में चढ़ते, चलाते चलाते में चेंज करो, जैसी बाइक की चेंज होती है ना, तो फिर कभी भी खराब नहीं होता है गियर। अल्लाह ने करे गियर भी खराब हो जाए ना, तो आप साइकिल वाले के पास ले जाओ या किसी मोटरसाइकिल वाले के पास ले जाओ, वो आपको बना के देंगे, गियर का वो ब्रेक वेयर है वो चेंज कर देंगे, वापस बन जाते हैं, मसला नहीं है।
गेयरोज खराब हो जाते हैं, बन जाते हैं, मसला नहीं है। अच्छा, अब एक चीज मुझे सिर्फ पूछनी है कि जो डबल गियर है और सिंगल गियर है, इन साइकिलों में क्या फर्क है? डबल गियर कहाँ इस्तेमाल होती है और सिंगल गियर कहाँ इस्तेमाल होती है? सिंगल गियर में ये फर्क है कि बंदा थोड़ा कम भागते हो, डबल गियर जितना गियर ज्यादा हो साइकिल इतना ज्यादा भागता है, डबल गियर जो ज्यादा भागती है, सिंगल गियर जो ना वो कम भागते हैं। डबल में ये कि 11 स्पीड है, 11 गियर है, वो सिंगल में 6-7 गियर होती है, ये फर्क है। जितना गियर ज्यादा हो इतना साइकिल तेज भागता है, मतलब जितनी गियर ज्यादा हो उतनी साइकिल जो है वो आपकी तेज जाएगी, स्पीड में जाएगी। अच्छा, ये तो सारी वो बाइकें हैं जो लड़कों के लिए हैं, यहाँ पे लड़कियों के लिए भी आपके लिए बाइक? लड़कियों के लिए होते हैं ना डॉन प्रिम होते हैं ना, वो भी मिल जाते हैं, इसी में भी आता है वो लड़कियों वाला टोकरी वाला जो स्केट पीछे केरे लगी होती है वो भी आता है, वो भी मिल जाता है। वो कितने का मिल जाता है? वो भी 15,000, 14,000, 12,000, 13,000 मुख्तलिफ रेट है। और अगर कोई चीज खराब हो जाए, ये जैसे गियर की कोई चीज खराब हो गई, यहाँ से ये लीवर खराब हो गया या कोई चीज और खराब हो गई, तो यहाँ से आगे मिल सकती है? आराम से मिलेंगी, पाकिस्तान के कोने कोने में आपको हर चीज मिल जाता है। पाकिस्तान लाहौर में इसका पार्ट बन जाता है, कराची में बन जाता है, पूरा पाकिस्तान में। अगर आप लोग को ऑनलाइन चाहे तो हम लोग यहाँ से बेच सकते हैं, TCS के जरिए से वो खर्चे आएंगे, आप लोग वो इधर दे सकते हैं, मसला नहीं है। यहाँ से हम लोग बेच सकते हैं पूरा पाकिस्तान में, हम लोग साइकिल पैक कर रहे हैं ना, वो 500 रुपये पैकिंग वाला, 300-400 रुपये पैकिंग वाला ले रहे ना। ये जितनी भी साइकिलें ये रीपेंट हैं या क्या है, ओरिजिनल पेंट पे हैं क्या है? सारे बाहर की साइकिल है, बाकी थोड़ा कलर मतलब टचिंग मिचिंग हम लोग खुद कर रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा सा, बाकी कलर्स की सारे ओरिजिनल होते हैं। बाकी गियर सीटिंग वगैरह इधर मिस्त्री लोग कर रहे हैं ना, 200 रुपये लेते हैं हम लोग के बनाने के लिए, बाकी हम लोग इधर वॉश कर रहे, साफ कर रहे, धो रहे, तेल मेल मालिश पालिश मालिश कर रहे हैं, बाकी कलर इसके इतने ओरिजिनल होती है। ठीक है, तो जो भी लेने आएगा आप उसको कुछ हफ्ता 10 दिन की वारंटी देते हैं? जी जी, हफ्ता 10 दिन वारंटी देते हैं, चेकिंग का वारंटी गारंटी भी देते हैं। समझ में नहीं आएगा थोड़ा सा 1,000-2,000 रुपये कट भी जाते हैं, वापस हम ले गए इनसे। तो अगर आप वापस भी कर सकते हैं, 1,000-2,000 रुपये काट के वापस कर देंगे अगर आपको साइकिल पसंद नहीं है, और वरना ये आप दूसरा ले सकते हैं। हाँ, दूसरा भी कर सकते हैं, हाँ पसंद नहीं है दूसरा भी ले सकते हैं, मसला नहीं है। ठीक है, बदली भी कर सकते हैं। तो ये जो दुकान है यहाँ पर या मार्केट है, यहाँ पर आपको तमाम इम्पोर्टेड साइकिल मिल जाएंगी, जो गियर वाली हैं, डबल गियर वाली हैं। नंबर लिख देना मेरे, नंबर आपका जरूर हम लिख देंगे डिस्क्रिप्शन में, आपको इनका नंबर मिल जाएगा अगर आप यहाँ से आकर लेना चाहते हैं। जैक्सन मार्केट में दुकान है, दुकान का नाम क्या है? इनमें दुकान का नाम अल एहसान साइकिल शॉप, अपना नूरुद्दीन मंजिल, दुकान नंबर 4। ठीक है जी, आपने एड्रेस इसका सुन लिया है, जैक्सन मार्केट कराची में ये दुकान जो है अल एहसान साइकिल शॉप जापान, अल एहसान साइकिल शॉप, कौन सी मंजिल? नूरुद्दीन मंजिल, नूरुद्दीन मंजिल शॉप नंबर 4, जैक्सन मार्केट कराची में ये शॉप वाकई है। यहाँ पर आकर आपको तमाम इम्पोर्टेड साइकिल मिल जाएंगी, अगर उससे रिलेटेड कोई चीज़ चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, और अगर आप इस साइकिल को यहाँ पर आके चेक करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, चला के चेक करके अपनी तसल्ली करके ले जा सकते हैं। यहाँ पर आपको बच्चों की साइकिल मिल जाएगी, बड़ों की साइकिल मिल जाएगी, गियर वाली साइकिल मिल जाएगी, बगैर गियर के साइकिल मिल जाएगी, और तमाम साइकिलें जो है वो इम्पोर्टेड साइकिल्स होंगी, और यहाँ पर आपको लड़कियों के लिए भी साइकिल मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज ये वीडियो जरूर आपको पसंद आई होगी, और जितने लोग साइकिल लवर्स हैं या साइकिल चलाना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में पेट्रोल के पैसे इतने ज्यादा हो गए कि थोड़े अरसे में हर कोई साइकिल जरूर ले लेगा, तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, जाने से पहले आप HNOW TV को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मैं हूं राहिल गिल, खुदा हाफिज़।